लड्डू बनाओ खाने खाने। बताओ बर्फ के बारे में आपको क्या कहना है, बर्फ गिर गई बढ़िया सी। वो तो 5-6 फुट गिरना चाहिए, 5-6 फुट उसी में मजा है। होंगे अच्छी तरह से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। अभी जो चैनल पे नहीं है ना तो जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी, प्यारा सा सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा नीचे उसको दबा दो। तो आज का व्लॉग जो है ना मैंने बाहर से स्टार्ट कर दिया क्योंकि बाहर पड़ रही थी अच्छी स्नोफॉल। तो अभी चलता हूँ मैं दोस्तों के पास और लेते हैं उनसे रिएक्शन इस बर्फ के बारे में। तो बर्फ के बारे में आपका क्या कहना है, बर्फ गिर गई बढ़िया सी। ये कौन सी बर्फ गिर गई, इसको तो 5-6 फुट गिरना चाहिए। 5-6 फुट उसी में मजा है। फिर पानी आएगा नदी नालों में बहुत। हाँ वो बात, सेलिंग घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। उसको छोड़ो, सब खुदा के हवाले है, छोड़ो। अच्छा ये मुझे बोलो, ये आपने क्या ओढ़ा है अभी? ये पर्दा है, पर्दा ये घर से लाया है। पर्दा है? हाँ। ये मुझे लगा शॉल है। ये पर्दा है, पर्दे के अंदर कांगड़ी आपने पकड़ी है, गर्मी हो रही है। इसमें तो सभी कमेंट करते हैं ये पर्दा है, मैं बोलता हूँ हाँ पर्दा है, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से लाएगा। क्यों गरीब हो, क्यों गरीब हो, माशाल्लाह अच्छे हो। और मुदस्सिर भाई और कुछ क्या बोलो, हमारे सब्सक्राइब चाय पियो और इससे सिर में दर्द होता है वो गायब हो जाता है, वो गायब हो जाता है कश्मीर चाय से ना, नून चाय से ना, नून चाय नून चाय। तो भाई सॉरी फाइनली फ्रेंड्स, अभी सुहेल भाई और मैं निकल के इस कड़कड़ाती ठंड में, इस बर्फ में भी बहुत है, बहुत है। सुहेल भाई इस बर्फ के बारे में कुछ बोलो, इतने दिनों के बाद बर्फ पड़ी है, सब लोग बर्फ मांग रहे थे, मैं भी बर्फ मांग रहा था। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। तो अभी सुहेल भाई और मैं निकले हैं मार्केट की तरफ। तो सोजी फ्रेंड्स चलते चलते हम पहुंच गए शेरबाग की गलियों में। तो क्या बात करते हैं यार, चलो देखते हैं पहले क्या खाते हैं, चलते हैं पहले यहाँ पे शेरबाग में देखते क्या मिलता है वहाँ पे, इससे थोड़ी बहुत गर्माहट मिलेगी। तो पहुंचते हैं पहले यहाँ पे। सोजी फ्रेंड्स तो हमने ले लिया मसाला लवासा, क्यों कश्मीर बोलते हैं वलल। तो खाते सोलल को, करते एंजॉय सोलल को इस बड़ी अच्छी स्नोफॉल में। कहाँ गए सुहेल भाई, कहाँ गए सुहेल भाई को लेने भाई, सुहेल भाई को लेनी है स्नैप ले रहा है सेल्फी हो मुझे नहीं पता है, तो लेन देते भाई को। ओह सुहेल भाई ने खींच ली मेरी फोटो, बोलो खाते खाते बढ़िया सी। तो अभी आए हम शेरबाग के अंदर, यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा है इस बर्फ में, कौन ही होगा, सारे अपने घरों में बैठ रहे होंगे, कम्बल पकड़ी होगी, रूम हीटर पकड़ा होगा भाइयों ने। फिलहाल पूछा आपको ये कैसा लगा मसाला, कैसा लगा इनका? मस्त लगा, मस्त मस्त लगा। ये शेरबाग के मशहूर लवासे वाले हैं, इनका कुछ नाम है कुछ बोल दें, ओके लवासे के नाम से कोई जानते लोग है ना, ओके लवासा ओके है ना। तो करते हैं पहले इसको अपने मसाला लवासे को एंजॉय, ठंडा हो रहा है, बर्फ भी जा रही है, तो उसके बाद मिलते हैं। तो फिर देखते हैं हम कहाँ जाएंगे ना सुहेल भाई, अब जाएंगे दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे जाएंगे इसके बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सुहेल भाई को कुछ मस्त चीज मिली है शेरबाग में, इतनी क्योंकि इतनी बर्फ पड़ रही है बाहर। कहीं सुहेल भाई इसमें क्यों ना जाए, सुहेल भाई गर्म पानी है सही में, गर्म है हाँ बहुत गर्म है, वो थोड़ा बॉइलिंग वाटर जैसा ना, हाँ जैसे बॉइल कर रहे हो ना वैसा ही है थोड़ा, भाप भी निकल रही है इसमें से। इतनी ठंडी के मौसम में अगर आपको किसी का गर्म पानी मिलेगा खुले में, वो शेरबाग में मिलेगा। बड़ा बढ़िया पड़ रही है, एक बार यहाँ से पूरा व्यू दिखा दो। मस्ती करने के बाद हम निकल चुके सुहेल भाई और मैं, अब दूसरी जगह सर्दी लग गई भाई, सुहेल भाई को बहुत सर्दी लग गई, हाथ सुन हो गए बंदे के, हाथ सुन हो गया। तो अभी निकलते हैं थोड़ा आगे क्योंकि ठंड तो बहुत लगी, अब सोच रहा हूँ मैं स्ट्रीट फूड क्या सबसे फेवरेट चीज़ खाने जा रहे हैं,
समोसे खाएंगे वहाँ पे, पहुंचते हुए जगह। और हमने वहाँ पे मस्ती बहुत की, स्टेडियम में बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम दोनों को मस्ती करके। तो फिलहाल पहुँचते आ गए आज के हम फेमस तक। तो अभी भाई के समोसे यहाँ पर ट्राई करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा फेमस है ना सर भाई, बहुत ज़्यादा फेमस है इनके समोसे। मस्त है समोसा। ज़्यादा जो है ना स्ट्रीट फूड वाले जो थे नहीं थे बर्फ पड़ते हैं ना सुहेल भाई, बंद थे सारे। सुहेल भाई को भी अलविदा कह के टाइम आ गया यहाँ पे है ना सुहेल भाई, शाम को मिलते हैं सुहेल भाई, ठीक है ना, शाम को मिलते हैं, मैं कॉल करूँगा ठीक है। ओके चलो।